अरे सेहत के मतवालों, चलें आज मैं आपको एक वसवसा, कल्चरल टैबू, मिसकॉन्सेप्ट या पैरानॉइड सिचुएशन के बारे में बताता हूं, जिसमें आपने सुना होगा कि दूध के बाद मछली या मछली के बाद दूध ना पिए, जिससे आपको जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियां जैसे बर्स, विटिलिगो, लिकोडर्मा, फुलबेरी एंड सो फोर्थ, ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब इस बात में कोई हकीकत है नहीं। मैं इन बीमारियों के बारे में भी आपको कुछ बताता हूँ और मछली खाने के फवायद के बारे में भी कुछ बताता हूँ और तीन जड़ी बूटियों का एक सिंपल सा नुस्खा भी बताऊंगा जो इन बीमारियों के सदबाव के लिए यूज किया जा सकता है। मैं हूँ और मेरे साथ मेरे मोमो है। मोमो को मछली वैसे पसंद है नहीं, मगर फिर भी सेहत और मालूमात के साथ चलते हैं। मोमो, मैं शाम के लिए मछली खरीद के लाता हूँ, तुम यही रहना। हाँ शाबाश। तो देखिए, मछली लेने का भी एक फन है और मछली लेने के लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सी मछली ताजा है और किस तरह से वो ताजा है। तो हम उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो मछली ताजा दिए देखते हैं। आप ये बताइए कि ये मछली किस तरह से आप देखते हैं कि ये ताजा है? आंख देखते हैं ना भैया। अच्छा, सबसे पहले ये आंख देखते हैं कि आंख ताजा है। हां, आंख चमक रहा है, गोश्त में स्मेल ना आए, उस स्मेल को सुन के देखते हैं। और अच्छा, गलफड़े भी तो दिखाए आप। हाँ, गलफड़े होते भैया। गलफड़े किस तरह से देखते हो? बिल्कुल गुलाब का फूल जैसा भैया, लाल के फूल की तरह। कुछ लोग इसमें कुछ फूल वगैरह भी डालते हैं। लगाते हैं कि नहीं? हम जी, आप लोग तो नहीं लगाते? नहीं लगाता, नहीं आता भाई, आप लोग नहीं लगाते हैं। अच्छा, मछली के बारे में आपको बता दूं कि मछली में विटामिन डी के अलावा आयरन और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इनफैक्ट आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको ओमेगा 6 ओमेगा 9 की भी जरूरत होती है, मगर ओमेगा 6 आप नॉर्मली ले ही लेते हैं बीन से, फ्लैक्स सीड से, मुख्तलिफ अपनी गिजाओं से। ओमेगा 9 आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, मगर ओमेगा 3 आप उसे में बाहर से लेना होता है। और ओमेगा 3 की अच्छी सोर्स मछली है, और मछली की जो ओमेगा 3 सोर्स है वो ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। और खासतौर पर फैटी मछली, चिकनाई वाली मछली जैसे सालमन है और ट्यूना है, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड काफी अच्छी तादाद में होते हैं। आप हर सुर में वो बड़ी मछली उस सेंस में जरूर खानी चाहिए। भाई सालमन है आपके पास? जी। कब आ सकते हैं? अगस्त के बाद मिल जाएंगे। क्यों, अभी क्यों नहीं है? अभी उसका मौसम नहीं है। अच्छा, ओ, मेरी मछली बेक हो चुकी है, देखते हैं कैसी है। देखिए, मैं हमेशा मछली बेक या बारबेक्यू खाता हूं और कम मसालों वाली खाता हूं। मसाले कम होने की वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि मछली का अपना टेस्ट आए। अगर वो सालमन है या ट्यूना है या कोई और मछली है, इसके अपने अलग अलग टेस्ट। हम ज्यादा मसाले डाल के मछली के टेस्ट को जाया कर देते हैं। अगर मैं कभी बाहर मछली खा रहा हूं तो मैं मछली को धुलवा लेता हूं, उसको नल में जी इसको पानी से धुलवा लेता हूं। उसकी वजह यह है कि मैं इस तरह अवॉइड कर सकता हूं कि अगर उसके मैरिनेटेड मसाले में कोई MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट तो नहीं, एडिटिव फ्लेवर इनहेंसर मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG
आपकी सेहत के लिए काफी मुजर थी। प्लीज खुदा के लिए मेक इट श्योर कि आपके खानों में ये चाइनीज सॉल्ट या मोनोसोडियम ग्लूकोमेट ना हो। इसी वजह कई मुख्तलिफ तरह के बीमारियां, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इंसोम्निया, माइग्रेन, यू नेम इट, एंड दे आर देयर। तो अपने खानों को इन फ्लेवर इन्हेंसर से बचाइए प्लीज। देखिए हर एक को तो ऊपर जाना है, मैं भी जाऊंगा, सभी को जाना है, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना भी हो सके जो फ्लेवर इन्हेंसर्स हैं या एडिटिव हैं, फ्लेवर एडिटिव, इनसे बचें, कोशिश करें। एस बोली सीना सेड, ये कौन और फना की दुनिया है, बनना और बिगड़ना कौन और फना। मुझे शेर याद आ गया अपना ही, इब्तिदा हुई मेरी रोते हुए और इख्तिताम भी मेरा रंज पे, इस मिकदार खफीफी मरकजी को अंदराज मकरूह देखता। कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके अच्छा सिंपल खाना खाएं, केमिकल से पाक खाना खाना खाएं, और इसी में ही हमारी सेहत। देखिए मैम, हम बात कर रहे थे मछली की, मैं कोशिश करता हूं कि छोटी मछली खाऊं। छोटी मछली में मरकरी की तादाद कम होती है, मरकरी एक एलिमेंट है जो आपकी बॉडी के लिए इतना अच्छा है नहीं। बड़ी मछली क्योंकि छोटी मछली को खाती है, उसमें मरकरी की तादाद और ज्यादा हो जाती है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके ब्रेन के लिए मरकरी होना अच्छा है नहीं। तो कोशिश करता हूँ कि छोटी मछली खाऊं, और छोटी मछली का मजा भी बड़ा मजेदार होता है। चलें इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसमें मछली पे दूध या दूध पे मछली ना खाया जाए, या उन दोनों को साथ ना मिलाया जाए। और ये कहा जाता है कि आपके प्यार करने वाले आपसे कहेंगे कि जी ऐसा ना करें, इससे आपको स्किन के ऊपर मुख्तलिफ बीमारियां जैसे विटिलिगो, लिकोडर्मा, फुलबेरी या बर्स जिसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ पैचेस बन जाते हैं स्किन के ऊपर, वो बीमारियां आ सकती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जदीद साइंस इसको बिल्कुल इसके ऊपर यकीन नहीं रखती, मगर कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि मिल्क में एक खास प्रोटीन है और मछली में एक खास प्रोटीन है, इन दोनों की प्रोटीन जब दोनों साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती हैं तो उनको हजम होने में टाइम लगता है, और ऐसी सूरत में शायद आपको नौजिया या फिर स्टमक हो सकता है। अच्छा, दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आपको शायद मछली से या दूध से एलर्जी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में भी ये इस तरह से ना लें कि मछली और दूध के कॉम्बिनेशन में ना जाए। अच्छा, और तीसरी चीज, असल में इसकी एक और वजह यह भी है कि हमारे इस खत्ते में बड़े सगीर में यहाँ की एक 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 फिलॉसफी है कि गर्म और ठंडा, तो मछली की तासीर गर्म है और दूध की तासीर ठंडी, इसीलिए ये भी वजह कही गई है। मेरे एक दोस्त हैं बांग्लादेश में, तो वो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ दूध और गाय के गोश्त को मना किया गया कि साथ ना। तो ये मुख्तलिफ इलाकों की मुख्तलिफ कल्चरल बातें होती हैं। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खा सकते हैं अगर आप हजम कर सकते हैं मछली और दूध, और आपको अगर कोई एलर्जीज नहीं है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि आप गर्मियों में मछली ना खाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गर्मियों में भी मछली खा सकते हैं, और पूरी दुनिया में खाई जाती है मुख्तलिफ, कुछ लोग कहते हैं कुछ महीनों में मछली खाई ना जाए, ऐसा भी कुछ भी नहीं, ये भी सब उड़ी उड़ाई ख्याल आती बातें हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बर्स के बारे में बताता चलूँ, या विटिलिगो या लिकोडर्मा, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। वैसे लिकोडर्मा इज डिफरेंट देन विटिलिगो, और होता यह है कि आपकी स्किन में मेलानोसाइट सेल होते हैं। मेलानोसाइट सेल के अंदर आपके आपका एक एलिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन ही आपकी स्किन को कलर दे रहा होता है। तो आपने देखा होगा दुनिया में बहुत बुरे लोग भी हैं जिनके मेलानिन कम है, मेलानोसाइट्स हैं उनके सेल हैं उनके पास, मगर उनके मेलानिन कम है उनके सेल्स में, और बहुत डार्कर स्किन भी है जिसमें मेलानिन की तादाद काफी ज्यादा है।
क्या मेरे नालंदन दादा हैं या काम? आप खुद बताएंगे। खैर तो इन सेल्स के अंदर बाज कभी कुछ कभी इंफेक्शन की वजह से कोई और वजह से ये मेलानिन कम होने लगते हैं इन सेल्स में, तो उसी से बाज ये पैचेस बन जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि अल्बिनिज्म के अंदर, या आपने देखा होगा कि उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उनके अंदर ये सेल्स ही नहीं होते, अल्बाइनो लोग जो होते हैं उनमें ये सेल्स ही नहीं होते, उनकी उनके बाल उनकी उनकी हर चीज वाइट होती है, क्योंकि सेल्स होते ही नहीं, तो मेलानिन कहां से होगा। तो यूनानी में तुकमे पनवार तथा सफेद और रसौत, इन तीनों को हम वजन अगर आप लें और उसका जुशांदा बना के पिए और उसके फोक जो बचा हुआ फोक है उसी को वहां पे अगर जहां पे पैच आ रहे हैं वहां पे आप लगाएं, तो उससे काफी लोगों को फायदा होता है। तो मगर ऐसा नहीं है कि दूध और फिश के कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरह की मसाइल किए, ये सब पूरी उड़ाई और ख्याला की बात है। मैं तो इस वक्त फिशी और मिल्की केस दोनों ले रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह से कोई मिस्टेक ना हो जाए मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। चले फिर मिलते हैं किसी और बात के साथ, सेहत और मालूमात के साथ, फिर मिलते हैं।